अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत दिनों की छुट्टी के बाद सोचा आज एक नई वीडियो बनाई जाए। सो आपको इस वीडियो में वेलकम कहती हूँ। आज हम रिव्यू पेश करने वाले हैं जानी मानी नानी और दादी के जमाने से चलती आ रही डव ब्यूटी क्रीम पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रहे। मेरे पास मौजूद इस डव ब्यूटी क्रीम की पैकेजिंग पर न्यू का लोगो मौजूद है, जिस लिहाज से शायद ये इनका नया फॉर्मूला है। क्रीम खूबसूरत पिंक और वाइट कलर के टब में मौजूद है। इस क्रीम की शेल्फ लाइफ 3 साल है और ये इंडिया में बनाई गई है। देखते हैं कि आखिर कंपनी वाले अपनी इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्लेम करते हैं। कंपनी वालों के मुताबिक डव ब्यूटी क्रीम इज़ फॉर कंप्लीट डेली स्किन केयर। डव ब्यूटी क्रीम विद इट्स लाइट एंड नरिशिंग फार्मूला कीप्स योर स्किन फीलिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर एप्लीकेशन। यूज इट रेगुलरली डे एंड नाइट टू कीप स्किन फीलिंग ब्यूटिफुल। इस क्रीम को 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करने के बाद अब पेश करती हूँ अपनी राय। सो डव ब्यूटी क्रीम की अच्छी बात ये लगी कि खोलने पर यह अंदर से सील बंद है। क्रीम का कलर वाइट है और इसका टेक्सचर काफ़ी रिच और स्मूथ है। स्किन पर लगाते ही ये फौरन स्किन में ब्लेंड हो जाती है। इसके अलावा इसमें फ्रेश और क्लीन स्मेल भी मौजूद है, जो कि स्किन पर अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर तक स्किन पर रहती है। अगर आपको फेस पर परफ्यूम पसंद नहीं या आपको एलर्जी है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। स्किन पर अप्लाई करते ही ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और हेल्दी शाइन भी देती है। ये क्रीम ऑयली स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि ये स्किन को ग्रीजी फील नहीं देता और मॉइस्चराइज भी करता है। लेकिन ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र साबित नहीं होगा, क्योंकि ये क्रीम उतना इंटेंस हाइड्रेशन या मॉइस्चर फराहम नहीं करती जिसकी के ड्राई स्किन वाले लोगों को ज़रूरत होती है। सो ये क्रीम फेस और बॉडी दोनों पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। बहरहाल अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं इस क्रीम को 5 में से 3 स्टार्स दूँगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने भी ये क्रीम यूज़ की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ऐसा है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।